आज हम देखेंगे कि अगर कोल यार्ड कोई है, हमारा कोल यार्ड है और उसमें कोल यार्ड में कोल स्टोरेज, हम फ्रस्ट्रम ऑफ कोन, ठीक है, फ्रस्ट्रम ऑफ कोन शेप्ड हॉपर में करते हैं, तो उसका कोल कैपेसिटी हम कैसे निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि अगर मेरे को कोई कोनिक सेक्शन है, से ये देखो, ये मेरा मैंने कोनिक सेक्शन बनाया, तो 1 2 3 4 ये 4.5 है ना, इसमें ये मैंने ये कोनिक सेक्शन मैंने बनाया है ना, ये मेरा कोन है, ये कोन है दोस्तों। और इस कोन में अब अपन क्या कर रहे हैं दोस्तों, इस कोन का फ्रस्ट्रम बना रहे हैं, मतलब उसका एक हिस्सा अपन उड़ा दे रहे हैं, ठीक है, इसका एक हिस्सा उड़ा दे रहे हैं, तो इस कोन में अपन एक हिस्सा उड़ा दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों ये कोन जो था, ये कोन बेसिकली था तो सर्कुलर, नीचे से गोल था पूरा सर्कुलर है ना, और ये ऊपर वाला भी गोल सर्कुलर है, ठीक है, तो इसका यहां से यहां तक का जो रेडियस था, इस रेडियस वॉल आर, ठीक है, और इसका यहां से यहां जो रेडियस था ये आर था, तो ऐसा इस हॉपर को देखो, आप जब फिट करोगे साइड पे ना, तो ये हॉपर में भी उल्टा लग सकता है, देखो ये हॉपर ये ऐसा लग सकता है, इसके नीचे से कोल डिस्चार्ज हो, ठीक है, तो ये फ्रस्ट्रम ऑफ कोन है, अपन इसको ऐसा रख रहे हैं समझने के लिए। अब देखिए इसकी जो ये यहां से यहां तक की जो हाइट है, से ये हाइट एच है, ठीक है, तो इसका वॉल्यूम जो होता है ना दोस्तों, ये वॉल्यूम होता है 1/3 इंटू पाई इंटू एच, और ब्रैकेट में देखो आप कैपिटल आर का स्क्वायर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर, दिस इज वॉल्यूम ऑफ फ्रस्ट्रम ऑफ कोन, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आपके पास जो जो चीजें दी हुई हैं, से आपके पास हाइट दी हुई है 20 सेंटीमीटर है ना, और छोटा वाला रेडियस दिया हुआ है 10 मीटर, बड़ा वाला रेडियस दिया हुआ है 30 मीटर 30 मीटर है ना, तो अब हमको इसमें चाहिए क्या, 1/3 इंटू 22/7 इंटू हाइट दी हुई 20, यहाँ पे 10 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर प्लस 30 × 10, तो इसको जब आप करोगे दोस्तों तो ये कितना आएगा, मैं निकाल देता हूँ एक बार, देखो आप 100 प्लस 900 प्लस 300 है ना, इंटू 20 इंटू 22/21, ये सो इसको पूरे को अब अपन यहाँ लिख लेते हैं और सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, ये आया वॉल्यूम 22 × 20/21, और ये ब्रैकेट में ये सबको आप जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 1300, ठीक है। अब इसको दोस्तों हमको देखना है कि 22 × 20/21 × 1300, ठीक है, तो ये आ रहा है दोस्तों 2738 मीटर क्यूब आ रहा है इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्ट्रम ऑफ कोन है ना, ये आ गया। अब देखो ये वॉल्यूम फ्रस्ट्रम ऑफ कोन का आया है, किसका वॉल्यूम आया दोस्तों, ये फ्रस्ट्रम ऑफ कोन का आया, से कोल की डेंसिटी, कोल की डेंसिटी 1.15 है, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कोल क्वांटम ऑफ कोल, क्वांटम ऑफ कोल क्या होगा, क्वांटम ऑफ कोल होगा इस 27238 में आप ये 1.5 जो उसकी बल्क डेंसिटी उसको मल्टीप्लाई कर दोगे है ना, तो जो बल्क डेंसिटी आप मल्टीप्लाई करोगे 1.15 आप उसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 31323 इसका आंसर आएगा, 31323 टन्स ऑफ कोल इसमें स्टोर हो सकता है, इसमें 31323 टन ऑफ कोल स्टोर हो सकता है, ठीक है दोस्तों।
तो ये हमने कैसे निकाला, पहले हमने इसका वॉल्यूम निकाला, वॉल्यूम निकालने के बाद उसमें बल्क डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर दिया। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू वेरी मच।